नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आसिफ खान फतेह। आसिफ जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार आसिफ जी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा जो है मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज के वोट को अपने पक्ष में खींचने का प्रयास कर रही है, और उसको लेकर के उन्होंने मुस्लिम मित्रों और अलग अलग कई प्रकार के उन्होंने मिशन शुरू किए हैं। निमाड़ क्षेत्र का जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम तबका है, ये भी विशेष रूप से कांग्रेस को ही वोट देता रहा है। क्या इस बार ये परिपाटी बदलेगी और भाजपा की और मुस्लिम जो समाज है उसका झुकाव दिखाई देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल। क्या उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी ओर से? यही है कि घर घर जाके माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको बता रहे हैं हम लोग, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, है ना। उसमें जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कहीं से भी अल्पसंख्यकों को बाहर नहीं रखा गया है, हर योजना का लाभ मिल रहा है। जितनी भी योजनाएं उठा के देख लें, जैसे उज्ज्वला योजना है, मकान की जो योजनाएँ हैं उसमें बहुत सारे मुस्लिमों को मकान बने हैं, है ना। और जो भी योजना, उसमें किसी भी योजना में कोई पक्षपात नहीं है। आपने कहा कि केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उज्ज्वला योजना थी, किसानों की किसान सम्मान निधि है, इसमें भी मुस्लिम समाज के जो भी, मतलब जो इस वर्ग के हैं उनको भी बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है और काफ़ी लाभान्वित किया गया है। भाजपा ने आंकड़े भी दिए कि तकरीबन 33% जो मुस्लिम समाज है उनको प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना में लाभ दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो देश में एक सांप्रदायिकता का आरोप लगता है भाजपा के ऊपर, कि भाजपा जब भी चुनाव में अपने आप को कमज़ोर दिखती है या जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो एक हिंदू मुस्लिम का फैक्टर खड़ा कर देती है, उनके बीच में एक तनाव से कुछ स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करती है, ऐसे आरोप है विपक्ष के, और उससे भाजपा को चुनाव में फ़ायदा मिलता है। कहां तक आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये सब। कांग्रेस है जो मुस्लिमों को भड़काती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मानती आई है, है ना। अब उसको ऐसा लग रहा है कि हमारा वोट बैंक टूट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से इस तरह की गतिविधि चलाते हैं जिससे कि बीजेपी को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाए। आप बताएं मेरे को कि अभी तक अगर ये चीज़ होती तो मुस्लिमों को इतनी सारी योजनाएँ क्यों देते? कांग्रेस ने दी है क्या अभी तक? कांग्रेस ने कोई भी योजना अभी तक लागू की है जिससे किसी के घर बने, शौचालय बने, है ना, उज्ज्वला योजना, किसानों को, किसको कितना फ़ायदा दिया कांग्रेस ने? नहीं दिया अभी तक, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक है, इस्तेमाल करा छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि देश में, प्रदेश में जब जय श्री राम के नारे बुलंदी से लगते हैं तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि भाजपा अपने लिए एक माहौल तैयार कर रही, हिंदू मुस्लिम में एक दूरी सी बनाने की का प्रयास कर रही, ये आरोप हमेशा कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे, और इसका फायदा सीधे सीधे वो ध्रुवीकरण, मतलब एक करके और हिंदुओं को अपने पक्ष में वो वोट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना जी। देखिए, खरगोन के दंगे हुए थे तो उसमें अल्पसंख्यक समाज जो, विशेषकर मुस्लिम समाज, उसका ये आरोप है कि उपद्रवियों की आड़ में कई मुस्लिम समाज के, कुल मुस्लिम परिवारों के बच्चों को, जिनकी संख्या तकरीबन 100-150 के लगभग बताई जा रही है, उनको निरपराध होते हुए भी जेलों में बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो सुनवाई होना थी तो भाजपा सरकार के रहते वो सुनवाई ठीक से हो नहीं पाई, और उनका ये आरोप है कि सरकार ने सिर्फ तुष्टिकरण के लिए, वो हिंदू तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ तुष्टिकरण के लिए भाजपा सरकार ने कई निरपराध जो मुस्लिम युवा हैं उनको जेलों में बंद कर दिया। ये तो कोर्ट में प्रूफ होगा ना भाई, ये काम पुलिस का है, कोर्ट का है। अच्छा, जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी तक देखा गया है कि जो
माफ कीजिएगा, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत कम लोगों को टिकट दिया जाता है, क्या जो मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा है जिसके आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रदेश में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में ऐसी कोई योजना बन रही कि इस बार अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज से चुनाव में ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए? एक्चुअल में क्या है कि इसमें वोट प्रतिशत देखा जाता है जी, जहाँ वोट प्रतिशत ज़्यादा है जी, है ना, जहाँ जीतने की कैंडिडेट की उम्मीद होती है, पार्टी हमेशा वहीं टिकट देती है। और बहुत सारे मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, बहुत सारे मुस्लिम विधायक हैं, है ना, बहुत सारे मुस्लिम मंत्री हैं, केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। अब जैसे अपने यहाँ वोट बैंक कम है, मतलब वोट प्रतिशत कम है अपने यहाँ, तो उस हिसाब से फिर संगठन तय करता है, है ना, कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। आसिफ जी, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में भी रह चुके हैं, उसमें भी आपने कार्य किया है, और अभी आप जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो भाजपा का है उसके जिला अध्यक्ष हैं। एक धारणा सी रही है मुस्लिम समाज में कि आरएसएस जो है ये मुस्लिम विरोधी है। आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं संघ के, और आज भाजपा में भी आप एक तरह से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में यानी भाजपा में आप कार्य कर रहे हैं, तो इन विचारों को आप तक से कहाँ तक सहमत है, क्या ये सही है? बिल्कुल या एक ये एक भ्रम है? भ्रम है, बिल्कुल गलत है। अगर आरएसएस मुस्लिम विरोधी होती तो मुस्लिमों को जोड़ती नहीं, मुस्लिमों को पद नहीं देती, है ना, अपने कार्यक्रम में बुलाती नहीं। आज आरएसएस सारी चीज़ें कर रही है, मुस्लिमों को जोड़ रही हैं, मुस्लिम आज हर कार्यक्रम में जाते हैं उनके, है ना, मुस्लिम पदाधिकारी हैं। मैंने भी राष्ट्रीय इसमें काम किया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में काम किया है, लेकिन मेरे को इस तरीके की चीज़ देखने को मिली नहीं है अभी तक। ये जो है कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों को बरगलाती है कि आरएसएस आपकी विरोधी है, बीजेपी आपकी विरोधी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, कैसे बताएंगे वो। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो मुस्लिम समाज के प्रति जो नीति है वो पूरी तरह पूर्ण विश्वास पर आधारित है, और सबका साथ सबका विकास आप जो बता रहे हैं कि भाजपा की एक नीति रही है मोदी जी की, उसी के आधार पर वो चल रहे हैं। चुनाव में भी आपने बताया कि वोट प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है, जिसके भी जीतने के प्रतिशत ज़्यादा हो या स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क हो। साथ ही आपने ये भी बताया कि आरएसएस जो है उसके प्रति जो मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि आरएसएस जो है संघ किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज के विरोधी नहीं है। लेकिन अभी जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, काफ़ी डायनामिक एक तरह से कहे जाएगी वो जीत हुई है, स्पष्ट बहुमत के अतिरिक्त तो उन्होंने सीटें हासिल की, और वहाँ पर भी जय बजरंग बली का फैक्टर चला। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि पूरी तरह से जो सांप्रदायिकता फैलाने की एक नीति थी भाजपा की, उसमें वो धराशायी हुई और कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिला। तो इस विजय के बाद जो कांग्रेस है प्रदेश में काफ़ी एक नए ताकत के साथ उभर के आ रही है, और उसका हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है। आगामी चुनाव में क्या समझते हैं आप, ये जो कर्नाटक की विजय है ये कांग्रेस के पक्ष में जनाधार तैयार करेगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या कारण इसके पीछे? बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस बार जो है MP में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, है ना। क्या कारण होंगे कि शिवराज सिंह सरकार को एक बार फिर से जनता पसंद करेगी? योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की, आज आम जनता के लिए जो योजनाएं चल रही है वो किसी भी पार्टी ने नहीं चलाई अभी तक। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बोलती है, अभी 1.5 साल कांग्रेस का राज रहा जी, है ना, उन्होंने जितनी योजनाएं थी सब बंद कर दी, जो पब्लिक के लिए योजनाएं थी, संबल योजनाएं थी, इनको सबको बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था? अब अभी ये बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे 1,500 रुपये देंगे हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो, है ना। अभी जहाँ पे गवर्नमेंट है इनकी वहाँ दे रहे हैं क्या ये लोग? लेकिन अभी ये भी तो हुआ कि शिवराज सिंह ने 1,000 की घोषणा की थी लाडली बहना में, कांग्रेस ने कहा कि हम नारी सम्मान के 1,500 रुपये देंगे, तो शिवराज सिंह जी ने उसके 2 दिन बाद ही स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसको 3,000 देंगे ना। तो ये मुफ्त की जो एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार 1,000 को 3,000 पे ले जाने की बात कर रही है। नहीं नहीं, ये तो हमारी माता बहनें जो है, है ना, ये उनकी ज़रूरत के लिए है, ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। ये तो सिर्फ कांग्रेस बोलती है कि मुफ्त की रेवड़ी ये वो, है ना। अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ कांग्रेस क्या दे रही है बताएं? यहाँ बोल रही है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम देंगे, जहाँ है वहाँ तो दो ना पहले, जहाँ है आपकी गवर्नमेंट वहाँ पहले दो, तो पब्लिक को लगे कि हाँ
अब अभी यहाँ पे आप सरकार बनाने के लिए बोल दोगे कि हम ऐसा कर देंगे, पिछली बार जैसे उन्होंने बोला था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे, ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सारी योजनाओं पे हम काम करेंगे, किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं किया। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभाओं में जो भाजपा की स्थिति मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी। और आपके अनुसार एक बार फिर से शिवराज सिंह सरकार रिपीट होगी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। देखिए हम निमाड़ क्षेत्र पे आते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बनने का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रहा निमाड़ क्षेत्र रहा। निमाड़ क्षेत्र की जो 28 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें खरगोन जिला भी आता है, तो खरगोन जिले की 6 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। इस बार विशेष रूप से आप खरगोन जिले के ही जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, इस बार क्या विशेष ऐसी नीति तैयार की जा रही है जिससे ये 6 विधानसभा सीटें जो है ये भाजपा के पक्ष में टर्न हो जाए? जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की वो घर घर बताएंगे सारी चीज़ें जी, है ना, और इस आधार पे भी भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पे चुनाव लड़ेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना, सभी को जो योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जो फायदे हैं, पब्लिक को भी दिख रहा है कि भाई हमको कौन सी गवर्नमेंट क्या दे रही है। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, बीजेपी बोल भी रही है और कर भी रही है, दे भी रही है, ठीक है, अभी तक कांग्रेस सिर्फ बोल रही है, जब अब इनकी सत्ता बनती है अगर तो वो फिर चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है फतेह जी, आप युवा हैं और आप जानते हैं कि युवा जब शिक्षा ग्रहण करके खड़ा होता है तो उसका अगला लक्ष्य होता है रोजगार। खरगोन जिले में आप देख रहे हैं कि हम आज़ादी के बाद से देखते आ रहे हैं तो एक सूत मिल और निमरानी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ फैक्ट्रियां डली थी, जिसमें से कई फैक्ट्रीज जो है बंद हो गई हैं। उनके बंद होने के पीछे क्या कारण रहे इसका भी अभी तक कोई ठीक ढंग से पता नहीं लगाया जा सका। आज वो जो कल उद्योग डले थे, आज वो वहाँ पे भूखंड के मालिक बन के बैठे हुए, उन्होंने ज़मीनें रोक रखी। क्या वो जो उद्योग बंद हो गए और वो जो आगे नहीं करना चाहते, तो नए जो युवा आ रहे हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, स्वरोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को वो ज़मीनें दी जाएं ताकि वो अपने उद्योग प्रारंभ करें? है ना, सरकार की नीति है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि जिन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर दी है अब उन्होंने क्या है कि वहाँ ताले डाल के उस जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। इस स्थिति में जो नया युवा आ रहा है उसके लिए तो जमीन कम पड़ रही है। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, युवाओं के लिए भी बनी है, जिसमें उनको काम करने के लिए लोन भी मिलेगा जी, काम भी करें आगे, है ना। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की लिस्ट उठा के देखें ना, उसमें सभी के लिए है, युवाओं के लिए भी है। नहीं अभी हाल ही में अभी नड्डा जी आए थे, शिवराज जी आए थे, तो MSME के अंतर्गत एक बेस्ट बेकरी करके एक उन्होंने प्रोजेक्ट का यहाँ पे शायद मंत्री महोदय आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया सुनने में आया भाडली क्षेत्र में। लेकिन हम रोजगार की बात करते हैं, हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं, तो जब भाजपा विकास की बात करती है तो आप स्वयं ही देख रहे हैं काफ़ी लंबे से आप जमीनी नेता हैं इस क्षेत्र में, आपने पूरा अवलोकन किया है, कोई नया उद्योग नहीं डल पाया, क्या कारण रहा है इसके पीछे? आप शुरू होंगे, क्या सरकार की मंशा नहीं थी या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने मांग नहीं करी, क्या कारण रहा? स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मांग भी नहीं थी, अभी देखिए अब शुरू होंगे कार्यक्रम। यानी कुल मिला के जो कांग्रेस के जो भी निर्वाचित विधायक थे इन लोगों ने पूरे 5 साल में किसी प्रकार से कोई औद्योगिक विकास की मांग नहीं की, ना नए उद्योग मांगे। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी ना उसको भी बंद कर दिया था इन्होंने तो, है ना। अब अभी जैसे मेडिकल कॉलेज की अपने को सौगात मिली है जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है जी। कांग्रेस आज खरगोन जिला है, है ना, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज दिया था, कहाँ पे दिया था? महेश्वर में दिया था। क्यों दिया था? खरगोन में देना चाहिए था। स्थानीय स्तर पर उनके जो विधायक थे वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो यही होता है ना भारतीय जनता कांग्रेस में, यही होता है कि जो जहाँ का रहता है नेता वो चीज़ वहाँ ले जाता है। लेकिन अब फिर से सुनने में आया कि खरगोन के लिए स्वीकृत कर दी है मुख्यमंत्री जी ने जी, अब अपने खरगोन में डलेगा मेडिकल कॉलेज जी। सही है, खरगोन में अगर वो डलता है तो जिले के लिए सेंट्रलाइज हो जाएगा, सभी को एक समान दूरी पर वो मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिल पाएगी। महेश्वर या जिले के किसी भी कॉर्नर पे अगर होता तो वो दूसरे स्थान से आने वाले को काफी दूर पड़ता है, झिरनिया सुदूर क्षेत्र को तकरीबन 190 किलोमीटर के लगभग वो पड़ जाता है। तो एक तरह से ये एक अच्छी चीज रही जो खरगोन जिले में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। सिद्दीक फतेह जी से हमारी बात चल रही है,
आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की क्या भूमिका होगी? क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के वोट बैंक का जो एक ठप्पा लगा है उससे पार पा पाएगा? भाजपा कितनी हद तक मुस्लिम समाज के वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करेगी? ब्रेक के बाद हम इन सवालों का जवाब फतेह सर से लेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, तब तक देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस समय बात कर रहे हैं भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फतेह जी से। फतेह जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को लेकर कि भाजपा के प्रति आगामी विधानसभा चुनाव में उनका क्या रुख होगा, और हमने बताया कि कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगते रहता है, विपक्षी आरोप लगाता है कि भाजपा सांप्रदायिकता को भड़का करके वोटों का फायदा लेती है, ध्रुवीकरण पैदा करती है। खरगोन में भी अभी कुछ समय पहले दंगे हुए थे जिसमें यहाँ कर्फ्यू भी रहा, काफ़ी नुकसान भी हुआ, कई लोगों को आरोप में पकड़ा भी गया। कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से मान रही है कि इस बार भी चुनाव में भाजपा जो है खरगोन जिले में या निमाड़ क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता की लहर पैदा करेगी, एक बार फिर से वोटों का ध्रुवीकरण वो करने जा रही है। नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये स्पष्ट आदेश है कि जो गलती कर रहा है, जो गुनहगार है वो छूटेगा नहीं, और जो बेगुनाह है वो पकड़ा नहीं जाएगा। अगर वो बेगुनाह है तो कोर्ट से बेदाग बरी होगा, है ना। और ये काम जो है वो कांग्रेस करती है, उनके कुछ लोग भेजकर, है ना। कांग्रेस जिस तरीके से षड्यंत्र रचती है जिसमें बदनाम जो है वो बीजेपी को करती है, भारतीय जनता पार्टी। खरगोन में भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कहा जा रहा है कि इसका भी प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, लोग समझदार हो चुके हैं, उनको सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कोई पर्दे के पीछे से कर रहा है, है ना। ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ चुकी है। अभी आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा वो चीज़, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो योजनाएँ दी है, वो सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है ना, कौन सी पार्टी क्या दे रही है। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस जो है वो कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा करके कि भाई ये गलत है, है ना, मुस्लिम विरोधी है, धमकी है, बोला है। अगर मुस्लिम विरोधी होती तो इतनी सारी योजनाओं में मुस्लिमों को क्यों मिलती है योजनाएँ, पता है आप मेरे को? किसी योजना में क्या मुस्लिमों को बाहर रखा है? नहीं, कोई योजना में बाहर नहीं रखा है। अब आप जैसे आपने पूछा कि बस बहुत सारे लोग बेगुनाह भी पकड़े गए, है ना, इससे पहले ये कहना है उन परिवारों का कि हमारे परिवार का जो बच्चा था वो बेगुनाह है, लेकिन उसको बगैर किसी सबूत के या बगैर पूछताछ के उसको अंदर कर दिया गया। तो देखिए क्या होता है, जब इतने बड़े लेवल पे कुछ चीज़ होती है, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई ना कोई बेगुनाह पकड़े जाते हैं, लेकिन कोर्ट से वो बेदाग बरी होते हैं, बाइज्जत बरी भी होते हैं, है ना। तो जो बेगुनाह है वो बाइज्जत बरी होंगे, और जो गुनहगार हैं वो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आपने ये बताया फिलहाल में खरगोन जिले की, हम फिर वही 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। इन पे जो उम्मीदवार तय होंगे, अभी भाजपा में भी खरगोन विधानसभा सीट जो है इसको लेकर के, और दूसरी भी कुछ महेश्वर सीट है, इनको लेकर के काफ़ी विरोधाभास है। जैसे बड़वा की सीट को भी हम इसमें शामिल करें, बड़वा में जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है, हालांकि वो अधिकृत रूप से अभी कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। तो जब इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा तो जो गुटबाजी सामने आ रही है, क्या वो भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? और भाजपा आखिर किस प्रकार से ये गुटबाजी को शांत करने के लिए क्या कोई प्रयास कर रही है? देखिए, टिकट तय करना संगठन का काम है, है ना, संगठन जिसको तय करेगा। और इस बार जो है सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कोई गुटबाजी नहीं होगी। संगठन जिसको चुनेगा, सभी लोग मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे और उसको जिताएंगे। ये तो आपने कहा, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये गुटबाजी जो अभी नड्डा जी के कार्यक्रम में भी देखने को मिली, व्हाट्सएप पर
कई समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के नाम को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं विधायक के लिए, और उनके जो नेता हैं वो लोग भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम टिकट के दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है। नहीं नहीं, गुटबाजी नहीं बोलेंगे इसको, भाई टिकट मांगने का अधिकार सबको है जी, है ना, सब अपने अपने स्तर से मांग रहे हैं, लेकिन आखिरी में संगठन जो तय करेगा, जिसको तय करेगा कि, तो उसी का सब मिल के सपोर्ट करेंगे। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष होने के नाते आप ऐसे कौन से अभी योजनाएं बना रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज जो है उसका वोट भाजपा की ओर जाए? अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो पूरे ज़िले में हर घर जाकर सभी लोगों को ये चीज़ बताएगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या उनको मिल रही है, क्या लाभ मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी उनको। फतेह जी, क्या आपकी इच्छा नहीं है कि खरगोन की जो 6 सीटें हैं, जैसे खरगोन है इसमें भी काफ़ी प्रतिशत है मुस्लिम समुदाय का, तो यहाँ से कोई मुस्लिम को टिकट दे भारतीय जनता पार्टी? वो संगठन थे, आपने जैसे कहा कि प्रतिशत या ये देखते हैं, उस प्रकार से देखा जाए तो मुस्लिम समाज काफ़ी संख्या में है यहाँ पे। वो संगठन तय करेगा, तो इसके लिए आप लोग भी कोई प्रपोजल रखते हैं आगे? आप लोग कोई प्रपोजल रखते हैं, चर्चा में ऐसी कोई बातें आई आज तक संगठन की मुस्लिम समाज के कोई प्रतिनिधि को लेके? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन इस विषय में जो संगठन तय करता है वही होगा। फतेह जी, आपने स्पष्ट रूप से बताया कि जो संगठन तय करेगा वही उम्मीदवार भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए कई क्राइटेरिया हैं जो उम्मीदवार को टिकट देते समय संगठन देखता है, और आपने ये भी बताया कि जो सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं भाजपा पे वो निराधार हैं, भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय और जो हिंदू समुदाय है सभी को समान रूप से लेकर के समान रूप से शासकीय योजनाओं का लाभ दे रही है, और आपने बताया कि यही चीज़ें जो है वो भाजपा सरकार के पक्ष में वोटों का प्रतिशत बढ़ाएगी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश में मोदी जी को वही क्लीन स्वीप मिलेगा भाजपा के पक्ष में जो पिछले चुनाव में मिला था, और क्यों मिलेगा? जैसे आपने बताया सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल उन्होंने जो कुछ किया हो आपकी नज़र में? आप योजना उठा के देखिए ना, अल्पसंख्यकों के लिए कितनी योजनाएं दी उन्होंने, और सभी को मिला योजनाओं का लाभ, है ना। पब्लिक अब समझदार हो चुकी है जी, ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं देखती कांग्रेस या बीजेपी। अब जो पार्टी विकास कर रही है, जनता का ध्यान रख रही है, उसी के साथ जाएगी जनता। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, और देश की जनता का मूड भी बदल रहा है। बिल्कुल, जनता अब सांप्रदायिकता या जनता अब जातिवाद या जनता संप्रदायवाद पर कोई निर्णय नहीं लेती, बहुसंख्या में जो देश की जनता है वो हमेशा देश के विकास और देश की उन्नति को लेकर के निर्णय लेती है, और उन्हीं पार्टियों को वो समर्थन भी देती है। आप आज इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए फतेह जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अपने कार्यक्रम में आपको बुलाते रहेंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक, अगली चर्चा में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नेताजी हाजिर हो।